गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 18, क्लास 8. सो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है. प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटीज़. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कॉइन है, कि कॉइन है, ये 5 रुपीज़ कॉइन है. तो अगर हम इसको उछालते हैं, तो देखिए ये एक साइड होती है जहाँ पर ये लाइन बना हुआ है, ये तो ये हेड होती है और ये होता है टेल. ठीक है, अगर हमने इसको उछालते हैं, ठीक है, हमने इसको उछाला एक बार, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आए? क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसमें? देखिए, या तो हो सकता है हेड आएगा, है ना, या हो सकता है टेल आएगा. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, एक कि वो हेड आए, दूसरा या फिर टेल आए. इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसमें. तो इसमें दो टोटल पॉसिबिलिटी होती हैं दो. अगर हमारे पास दो कॉइन हैं और दोनों को अगर हम साथ में उछाल रहे हैं, तो हमारी पॉसिबिलिटी फिर कितनी हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं, चार हो जाती हैं. कि या हो सकता है पहली वाली हेड आए, दूसरी टेल आए, या पहली वाली टेल आए, दूसरा हेड आए, या दोनों ही हेड आए, या दोनों ही टेल आए, है ना. ये चार पॉसिबिलिटी जब बनती कब है? जब हम अपने कॉइन्स को दो बार या फिर दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं. तो पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए ही हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. और आगे हम एग्जांपल्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज चूजन अ रैंडम यूज ऑफ वन ऑफ नो चांस, इवन चांस, गुड चांस, सर्टेन चांस टू डिस्क्राइब द चांस ऑफ चूजिंग. अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कुछ नंबर्स हैं, तो हमारे पास इनमें से कौन से चांसेस बनते हैं? तो आर नंबर ग्रेटर देन 10. देखिए, नंबर 10 है हमारे पास, टोटल 1 से लेकर 10 तक नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो पहली वाली कंडीशन में बोल रहा है कि आर नंबर ग्रेटर देन 10. तो 10 से ग्रेटर नंबर कितने होंगे? तो देखिए, यहाँ पर लास्ट नंबर ही 10 है, तो इससे ग्रेटर तो कोई होगा ही नहीं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुअर चांस. ठीक है, आर नंबर लेस देन 12. अब नंबर 12 से कम, तो 12 तो नंबर नहीं है, मगर हम ये कह सकते हैं कि 12 से कम नंबर यहाँ पर हैं. 12 से कम 10 है, 12 से कम 9 है, 12 से कम 8 है, तो कुछ चांसेस हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्टेन चांस 10. अब देखिए, 10 के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि 10 में हमें क्या निकालना है, इवन नंबर बताना है, क्या बताना है. तो हम यहाँ लिखेंगे नो चांस. नेक्स्ट है इवन नंबर. तो इवन नंबर क्या है? तो इवन नंबर यहाँ पर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10. तो हमारे पास इवन चांसेस हैं. ऑड नंबर ऑड भी है, तो ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5, 7 एंड 9 ऑल्सो. तो यहाँ पे भी हमारे इवन चांस बन रहे हैं. इवन चांस का मतलब इवन नंबर से नहीं है, इवन चांस का मतलब चांसेस हैं. अब नंबर मल्टीप्लाई बाय 5. देखिए, नंबर मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर पुअर चांसेस हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुअर चांसेस. और नंबर ग्रेटर दैन 2, तो नंबर ग्रेटर दैन 2, 2 से ग्रेटर नंबर है यहाँ? यस, 2 से ग्रेटर नंबर है. 3 है, 2 से ग्रेटर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुड चांसेस. तो यही हमें यहाँ पे बोला गया था कि 1 से 10 तक अगर हम नंबर को चूज़ करते हैं तो कौन से चांस बनते हैं? नो चांस, इवन चांस, गुड चांस, सर्टेन चांस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. समीर, शिखा, रोहन, वर्षा एंड निशी गो फॉर एन इंटरव्यू. ओनली वन इज टू बी सेलेक्टेड. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 5 वो हैं कैंडिडेट हैं, समीर, शिक्षा, शिखा, रोहन, वर्षा एंड निशी. ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से कोई एक चूज़ किया जाए, हायर किया जाए. सो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, अगर समीर सेलेक्ट होता है, तो समीर बींग सेलेक्टेड, तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फेवरेबल, जो हमें चूज़ करना है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पर? 5 हैं. समीर हैं, शिखा, रोहन, वर्षा, निशी, ये 5 ही लोग गए थे इंटरव्यू के लिए, तो 5. और फेवरेबल क्या है हमारा? हमें किसको सेलेक्ट करना है? समीर को करना है. समीर तो एक ही है, तो 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग समीर निकलेगी फेवरेबल पर्सन, जो हमने चूज़ किया है फेवरेबल है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन. तो देखिए, यहाँ पर फेवरेबल क्या है? 1 है समीर, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5. तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5. सो यहाँ पर हमारा 1/5 आंसर हो जाएगा. सेकंड है अ गर्ल बीइंग सेलेक्टेड. अब ऐसा हो कि उसमें से गर्ल सेलेक्ट हो. सेकंड कंडीशन में ये बोला कि अगर ऐसा हो सकता है कि उसमें से गर्ल्स सेलेक्ट हो,
तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो इंटरव्यू में गए थे वो 5 थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर एन इंटरव्यू बींग सेलेक्टेड, तो सो सेलेक्ट होगी गर्ल्स, तो वो कौन कौन सी हैं, 3 गर्ल्स हैं, इनमें से ही कोई सेलेक्ट होगी, तो कौन है 3, शिक्षिका है, वर्षा है एंड निधि है, तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी अ गर्ल बींग सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल नंबर ऑफ गर्ल्स है, फेवरेबल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो फेवरेबल कितनी है 3, 3 में से तो कोई एक गर्ल सेलेक्ट होगी, देन अपॉन 5, टोटल कितने 5, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 है अ बॉय विथ बींग सेलेक्टेड, तो इसमें भी इसमें हमें बॉय सेलेक्ट करना है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, गर्ल सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें हमें बॉय को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5। फेवरेबल पर्सन, फेवरेबल पर्सन हमें क्या है, बॉय सेलेक्ट करना है, तो बॉय कौन कौन थे, रोहन है और समीर है, तो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बींग सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो फेवरेबल, फेवरेबल क्या है 2 है, और अपॉन टोटल, टोटल है 5, तो 2/5 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब बॉय बींग सेलेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एस सम। देखिए एक पासा है, हम लूडो खेलते हैं, आपने देखा होगा पासा होता है जिसमें इस तरह क्यूब फॉर्म में होता है, एक नंबर 1 बना होता है, फिर इसके पीछे 2 बना होता है, 3 बने होते हैं, 4 बना होता है, 5 बने होते हैं, ऐसे डॉट बने होते हैं, तो लूडो खेल समय हम पासा का यूज़ करते हैं, तो उसी की बात हो रही है कि एक पासा है जिसको हम फेंक रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, है ना। तो देखिए अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या इवेंट बनते हैं, 2 पासे को फेंका जा रहा है, पेयर ऑफ डाइस, पेयर बोल रहे हैं मतलब 2 पासे को फेंका जा रहा है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी, पहले हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट, अगर हम 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि पहले वाले पासे में 1 नंबर आए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए, और क्या बन सकती है कि पहले वाले में पासे में 1 आए, दूसरे वाले में 2 नंबर आ जाए, और क्या बन सकती है, पहले वाले पासे में 1 नंबर आए, दूसरे वाले पासे में 3 आए, इसी तरह ये सारे इवेंट बन सकते हैं। फिर ऐसे हो सकता है नेक्स्ट वाले में कि हो सकता है पहले वाले पासे में 2 नंबर आए और दूसरे वाले में 1 आए, तो ये सारे इवेंट बन सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे भी हैं कि पहले वाले पासे में 5 आए, दूसरे में 1, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट बनते हैं 36। देखिए पहले वाले में 6 बने हैं, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 24 और 12, 36, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल जो इवेंट बनेंगे वो बनेंगे 36। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है द इवेंट इज़ टू गेट अ सम ऑफ 8। अब ऐसे 2 नंबर हमें लेने हैं कि उसके इवेंट में 8 आए, तो देखिए कौन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं कि उनका सम 8 हो, तो देखिए 101 लेंगे तो 2 आएगा, 102 लेंगे 3 आएगा, तो कौन सा ले सकते हैं, 106 लेंगे तो 7 आएगा, मगर हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका सम 8 आ जाए, तो यहाँ पर 2024 हो जाएगा, 2046 हो जाएगा, 2057, 206, तो पहला नंबर हम लेंगे 2/2.6, फिर हम लेंगे 3/5, सम हमें 8 लेना है, फिर हम लेंगे 4/4, 8 हो जाएगा, 3 नंबर ये हो गए, फिर हम लेंगे 5/3, 8 हो जाएगा, फिर हम लेंगे 6/2, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2/6, 3/5, 4/4, 5/3 एंड 6/2, तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे या फिर फेवरेबल इवेंट्स होंगे 5, आउटकम्स और इवेंट का मतलब सेम ही होता है, तो यहाँ पे 5 होंगे, तो हैंस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल इवेंट टोटल इवेंट, तो फेवरेबल कितने हैं 5 और टोटल सारे इवेंट कितने बन रहे थे 36, तो 5/36 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है एन इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी अगर हमारा फेवरेबल क्या हो, पहले पासे में 2 इवन नंबर आए, तो देखिए पहले पासे में दूसरा नंबर आए तो ये 6 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही हैं, फिर ये 4 पहले पासे में इवन नंबर आए तो ये 4 आ रहा है, ये तो 6 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही हैं, फिर पहले पासे में 4 आए तो इवन आए तो यहाँ पे भी बन रही हैं, तो कितनी बन रही है टोटल, टोटल पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी 18 फेवरेबल, और टोटल इवेंट्स कितने थे, टोटल हमारे यहाँ पे 36 थे, वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 18/36 तो आ जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट है अ सम लेस देन 7, हमारा जो सम है वो लेस देन 7 होना चाहिए, तो कौन कौन से इवेंट होंगे कि जिसमें हमारे 7 से कम नंबर आए, तो देखिए 1 हो गया, इसमें भी हमारे 7 से कम है, 2 हो रहा है क्योंकि इनका सम 1 और 2 3 होता है, 7 से कम है 3, 1 और 4,
तो हमें ऐसे ऐसे नंबर दो नंबर को प्लस करके चेक करना है कि वो 7 से कम होने चाहिए. तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं वो कौन से नंबर है. 1 हो गया, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 7 से, जिनको सम करने पर 7 से कम होना चाहिए. तो इसी तरह हमारे टोटल इवेंट हमने यहाँ पे लिख लिए. टोटल कितने फेवरेबल इवेंट बनेंगे हमारे, 15 बन रहे हैं. और टोटल इवेंट हमारे 36 थे ही, हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 15/36. तो यहाँ पर हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी 15/36. इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइक टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड चूजन. देखिए इसमें कार्ड्स के बारे में बात किया गया, जैसे कि आप कार्ड के बारे में जानते हैं, ये कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स आपने देखे ही होंगे, ये कार्ड्स होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं ये जो, तो ये ईच कार्ड जो होता है वो 13 होते हैं, है ना. तो ये टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं. तो इसमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रेड कार्ड्स निकालने हैं. तो देखिए यहाँ पर तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे, रेड फाइंड करना है, रेड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो देखिए रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इस तरह हमारे ये रेड कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 26. तो यहाँ पर आप देखेंगे, चेक करेंगे जब अपने कार्ड्स, तो ये होते हैं 26 कार्ड्स होते हैं. तो ये 26 कार्ड होते हैं यहाँ पे. उसके बाद फिर ब्लैक होते हैं 26. तो हमें सिर्फ रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो रेड के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है 26, क्योंकि रेड निकाल रहे हैं. टोटल इवेंट्स कितने, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 थे, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल कितने थे, 26, रेड 26 थे, और हमारे पास टोटल है 52. तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सेकेंड में बोला गया है रेड एज अ किंग. तो देखिए हमें निकालना है रेड एज अ किंग, रेड कार्ड होना चाहिए, वो किंग का होना चाहिए. तो कितने होते हैं कार्ड्स, देखिए एक ये होता है रेड एज अ किंग का, और इसमें और कौन सा रेड एज अ किंग होता है, ये होता है, देखिए ये रेड एज अ किंग. तो टोटल दो ही कार्ड होते हैं इसमें, रेड होते हैं और किंग के होते हैं. तो यहाँ पर फेवरेबल कितने हो गए, यहाँ पर फेवरेबल हो गए हमारे 2. फेवरेबल आउटकम रेड एज अ किंग 2 हो गए. टोटल तो कितने होते हैं कार्ड, हमने बता ही दिया 52 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52. इसको सॉल्व करेंगे, 1/26 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रेड फेस कार्ड रेस. रेड फेस कार्ड का मतलब है जे, ये वाले होते हैं, देखिए जे होता है, के होता है एंड क्यू होता है. तो कितने होते हैं टोटल रेड के, जो बड़े नंबर होते हैं क्यू होता है, तो रेड फेस कार्ड होते हैं 6. जे के क्यू. तो टोटल कितने होते हैं रेड फेस कार्ड, 6 होते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं. तो ये टोटल 6 होते हैं इस तरह. तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल क्या आएगा, तो फेवरेबल आउटकम रेड फेस कार्ड हो जाएगा 6. टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6/52. तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/26 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. इसके बाद मैं कार्ड रख देती हूँ एक मिनट. नेक्स्ट देख लेते हैं. इसके बाद 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. देखिए कॉइन्स हैं हमारे पास, कॉइन्स हैं 3 कॉइन्स हैं ऐसे, हमारे पास 3 कॉइन्स हैं. तो देखिए पहले कॉइन में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा, है ना, या टेल आएगा. इसी तरह दूसरे कॉइन में भी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हेड आएगा या टेल आएगा, और तीसरे कॉइन में भी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर इसमें बोला गया है कि तीनों कॉइन को एक साल उछाला जाता है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है. तो देखिए पहले तो हमारे जो आउटकम्स आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, या हो सकता है पहला वाला हेड आए, बाकी दोनों टेल आए, या तीनों ही टेल आए, या पहला वाला हेड, दूसरा वाला हेड आए, तीसरा वाला टेल आए, या फिर तीनों हेड आए. तो ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटी उसमें बनती है 3 सिक्कों में जब हम उछालेंगे. तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, तो टोटल हमारी पॉसिबिलिटी बनती है 8. अब इसमें बोला गया कि क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 हेड आए. तो हमारे फेवरेबल बोल रहा है कि फेवरेबल है हमारे 2 हेड्स निकालने हैं हमें. तो फेवरेबल आउटकम्स हमें निकालना है 2 हेड. तो 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, यहाँ एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें 2 हेड आ रहे हैं, और यहाँ 2 हेड आ रहे हैं. तो 3 पॉसिबिलिटी टोटल बन रही हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल, फेवरेबल हमारा 3 आया, टोटल आउटकम्स था 8. तो 3/8 हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई. सेकंड में बोल रहा है 1 हेड. अब देखिए ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है इसमें कि 1 हेड हो. तो एक यहाँ पर है 1 हेड, इसके बाद 1 हेड है यहाँ, और एक 1 हेड है इसमें, 1 हेड है. तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, 3 है जो फेवरेबल आउटकम है, 3 हैं.
टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आउटकम्स 8 है तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल मतलब 3 और टोटल अपॉन 8 तो 3/8 हमारा आंसर हो गया। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज एंड चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।